नमस्कार दोस्तों, मैं वीरेंद्र आप लोग को शिवांश एजुकेशन हब की तरफ से मैथ्स मैथमेटिक्स पढ़ाने जा रहा हूँ। मैथमेटिक्स में रियल नंबर हम लोग का चल रहा था, उसी का अगला पार्ट जो है रियल नंबर में ही जो है हम लोग को रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर को पढ़ना है। इसी चीज़ को हम लोग लेकर के चल रहे हैं। तो रेशनल नंबर जो क्या होता है, ये पहले भी लिख चुके हैं और आज भी लिख रहे हैं। रेशनल नंबर, रेशनल नंबर पढ़ चुके हैं आप लोग। अ नंबर कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ पी बाय क्यू पेयर P and Q are integer and Q is not zero। इसी चीज़ में हम बोल रहे हैं, ये तो डेफिनेशन लिखाए थे, इसी को क्या बोल रहे हैं, डेसिमल एक्सप्रेशन क्या होता है, नहीं डेसिमल एक्सप्रेशन ऑफ रेशनल नंबर इज टर्मिनेटिंग नहीं क्या होता है डेसिमल एक्सप्रेशन ऑफ रेशनल नंबर इज टर्मिनेटिंग इफ डेसिमल एक्सप्रेशन इज नॉट टर्मिनेटिंग देन इट मस्ट बी नॉन रिपीटिंग इट मस्ट बी रिपीटिंग नहीं व्हाट इज रिपीटिंग और नॉन रिपीटिंग इस चीज़ को समझ सकते हैं। फॉर एग्जांपल क्या जान रहे हैं, 22/7 22/7 क्या है, पी बाई क्यू, पी एंड क्यू इंटीजर है ही नहीं, क्या हो गया 1/2 देख रहे हैं, इसी में क्या हो गया है 0.5 क्या हो गया, डेसिमल एक्सप्रेशन क्या हो रहा है, काउंट एक या दो डिजिट के बाद क्या हो जा रहा है, इंड हो जा रहा है 0.1357 नहीं क्या हो गया है 2.57 ठीक है 5757 दिस इज इक्वल टू 2.57 पर रेकडिंग। तो ये बात समझ में आ रही होगी, ये क्या हो गया पी वाई क्यू का फॉर्म है, ये क्या है पी वाई क्यू का फॉर्म है, ये क्या है डेसिमल फॉर्म है लेकिन क्या है टर्मिनेटिंग है, डेसिमल के एक डिजिट के बाद ख़त्म हो जा रहा है नंबर ठीक है, ये क्या है टर्मिनेटिंग है, क्या हो गया डेसिमल के दो डिजिट बाद ख़त्म हो रहा है, यहाँ पर 3, 4 कुछ भी लिखिए डेसिमल के बाद क्या हो गया है काउंट ख़त्म हो जा रहा है नंबर ऑफ डिजिट, यहाँ 5 लिख देते हैं डेसिमल के बाद कितना है 4 डिजिट है, इसलिए ये क्या है टर्मिनेटिंग। यहाँ क्या हो गया डेसिमल के बाद 5757 आते जा रहा है, इसलिए ये क्या है नॉन टर्मिनेटिंग, और नॉन टर्मिनेटिंग है लेकिन क्या हो रहा है 5-7 रिपीट हो रहा है, इसलिए ये क्या है रेशनल नंबर। इसी तरीके से क्या हो गया है इरेशनल नंबर क्या होता है, इरेशनल नंबर क्या होता है ए नंबर विच कैन नॉट बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू
वेयर क्यू पी एंड क्यू आर इंटीजर। क्या है? पी एंड क्यू आर इंटीजर है। नहीं, बात को समझ रहे हैं। डेसिमल एक्सप्रेशन क्या होता है? डेसिमल एक्सप्रेशन ऑफ इरेशनल नंबर इज नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। बात को समझ गए हैं? इस चीज़ पर थोड़ा सा गौर करना है। नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग क्या हो गया है? 22/7 लिखे हैं, लेकिन पाई क्या है? इरेशनल नंबर है। सर पाई का वैल्यू क्या होता है? 22/7 वैल्यू जो है सो एग्जैक्ट वैल्यू नहीं, अप्रॉक्स वैल्यू है। इसी तरीके से क्या हो गया? √2, √3, √4 तो आपको बता ही चुके हैं नहीं होता है। क्या हो जाएगा? 3.585888588। यहाँ क्या हो गया? रिपीट नहीं हो रहा है। ये क्या है? रिपीट नहीं है, नहीं नॉन टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग है, लेकिन क्या है? बट और रिपीटिंग है, नहीं रिपीट नहीं हो रहा है। 5858 नहीं है। देखिए क्या हो गया? 5858 है, 5888 है। क्या हो गया है? एक ही नंबर रिपीट होना चाहिए। नहीं, समझ में आ गया है? तो ये क्या हो गया? नॉन टर्मिनेटिंग। क्लियर है? इसी पर जो है सो हम लोग का आगे का चीज़ देखना है, क्या क्या चीज़ क्वेश्चन रहता है, इस चीज़ को थोड़ा सा समझना है। क्या है इस चीज़ को थोड़ा सा देखेंगे हम लोग का क्या क्या चीज़ रहता है, क्वेश्चन क्या रहता है, इस चीज़ पर थोड़ा सा आते हैं हम लोग। क्वेश्चन क्या होता है आपका? डेसिमल एक्सप्रेशन, इस बात को समझ सकते हैं? डेसिमल एक्सप्रेशन जो है क्या हो गया है? दो तरह का होता है, टर्मिनेटिंग नहीं, और क्या हो गया है? नॉन टर्मिनेटिंग भी क्या हो गया है रिपीटिंग और नॉन रिपीटिंग का। क्या हो जाएगा? नॉन रिपीटिंग का। बात को समझ रहे हैं ना? नॉन रिपीटिंग का। तो यही चीज़ क्या हो गया? जैसे क्या हो गया है, 1/2 को चेंज किए तो क्या हो जाएगा? 1/5 को चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा? 0.2। टर्मिनेटिंग का जो फॉर्म होता है, फॉर्म क्या हो गया है? फॉर्म नहीं, क्यू यानी पी बाई क्यू में जो है, नहीं क्यू क्या होना चाहिए? सबसे पहला ये क्या होना चाहिए? शॉर्टेस्ट फॉर्म। अगर शॉर्टेस्ट फॉर्म में नहीं है तो क्या हो गया है? मेक अदरवाइज नहीं, अदरवाइज मेक इट्स शॉर्ट फॉर्म या शॉर्टेस्ट फॉर्म नहीं। इसके बाद क्या हो गया है? देन क्या करना है? उसके बाद जो आएगा Q का, यानी क्या हो जाएगा? उसका जो है सो प्राइम फैक्टराइजेशन आना चाहिए, ठीक है? Q इज इक्वल टू 2^n × 5^m होना चाहिए। तो यही क्या हो जाएगा? टर्मिनेटिंग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? टर्मिनेटिंग। रिपीटिंग में क्या हो गया है?
आप इस बात को समझ सकते हैं जो डिनोमिनेटर में क्या हो गया है, 2 और 5 के अलावा कोई दूसरा नंबर आ जा रहा है, 2 और 5 के अलावा कोई दूसरा नंबर आ जा रहा है, तो वो क्या हो जा रहा है, नॉन टर्मिनेटिंग। जैसे क्या हो गया है, 1/2 है, 5 है, इसके अलावा जैसे ही कोई दूसरा नंबर आ गया, प्राइम नंबर, तो ये क्या हो जाएगा, नॉन रिपीटिंग हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, नॉन रिपीटिंग हो जाएगा। इसी पर जो है सो हम लोग का बात कर रहे हैं। ठीक है, इसको डेसिमल एक्सप्रेशन में करेंगे तो क्या हो जाएगा, आप 1/3 को करते हैं तो 0.3333 आते चला जाता है। ये क्या हो गया है, ये रिपीट हो रहा है ना, क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। 1/6 करते हैं तो 0.1616, देखिए क्या हो गया है, 1 को 6 से डिवाइड करना है, 1 को क्या करना है, 6 से डिवाइड करना है, क्या होगा, 6 1 को डिवाइड नहीं कर पाएगा, तो क्या हो गया है, यहाँ पॉइंट दिए, डिवाइड नहीं कर पा रहा है इसलिए पॉइंट दिए। अब क्या हो गया है, इस पर 0 तो है नहीं, तो आप क्या लिख रहे हैं, 0 लिख रहे हैं, 1 टाइम में ये क्या हो जाएगा, लग गया, क्या हो गया है, लग गया। इसका मतलब क्या है, 1.00 है, ठीक है, 1 के बाद डिजिट नहीं था, तो इसका मतलब क्या होगा, 1.00, यानी 1 को क्या लिख सकते हैं, 1.0000, कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये 1 ही रह जाएगा। तो वही चीज़ लिख रहे हैं, या बाद में जो भी 0 लिखेंगे इसका मतलब क्या है, यही जीरोज है। ठीक है, तो इसी चीज़ को क्या हो गया है, कंटिन्यू कर रहे हैं, 1 पॉइंट, तो ये क्या हो गया, 4, फिर क्या हो गया है, नहीं डिवाइड होगा, तो यही 0 एक तरीके से समझिए लिख रहे हैं, क्या होगा, 6 6 36, क्या हो जाएगा, 36 40, यानी ये क्या हो गया है, ये क्या हो रहा है, 666 आते जा रहा है। इसका मतलब क्या हो गया, दिस इज इक्वल टू 0.16 पर रेकडिंग। ये बात समझ में आ गया, यानी दो नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन, अब यहाँ पर क्या हो गया, नॉन रिपीटिंग। तो इस बात को समझ सकते हैं, नॉन रिपीटिंग में क्या हो जाएगा, हम लोग का 1.23223223, नहीं ये क्या हो गया है, 5.7737773 4 बार 7 3, क्या हो गया है, ये क्या हो गया है, नॉन रिपीटिंग है। बात को समझ गए, हम लोग का ये एक पार्ट का क्वेश्चन हो गया है। इसी के बाद क्या हो गया है, हम लोग का दूसरा पार्ट वाला क्वेश्चन आता है। क्या आता है, उस चीज़ को थोड़ा सा देखा जाए क्या होता है, इसी में क्या क्या क्वेश्चन रहता है, इस चीज़ को थोड़ा सा समझेंगे। कह दिया 3/50 को क्या करना है, डेसिमल में एक्सप्रेस करना है, नहीं तो एक्सप्रेस इन डेसिमल फॉर्म। जैसे ही क्वेश्चन कह दिया डेसिमल फॉर्म, तो आपके पास क्या है, इसको दो तरीके से बना सकते हैं। ठीक है, इसको कितने तरीके से बना सकते हैं, दो तरीके से। क्या है, पहले चेक कर लेना है कि चेक कर लिए कि ये क्या है, शॉर्टेस्ट फॉर्म में है कि नहीं है, ये शॉर्टेस्ट फॉर्म में नहीं कट रहा है, तो इसका मतलब क्या हो गया, ये शॉर्टेस्ट फॉर्म में है, शॉर्टेस्ट फॉर्म में है। चलिए अब क्या हो गया, आगे क्या करना है, इसको क्या हो गया है, एक तरीका है हम लोग डिवाइड कर करके बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं डिवाइड कर करके, तो क्या हो गया है, 3 को 50 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, इस 3 का मतलब समझ रहे हैं, इसका मतलब क्या है, 3.0000, नहीं,
तो अब 3 को डिवाइड नहीं हो रहा है तो यहाँ क्या हो जाएगा, पॉइंट दे दिए, नहीं क्या हो जाएगा, जीरो लिखे, अभी भी डिवाइड नहीं हो रहा है, जीरो तो दे दिए ना, अब डिवाइड नहीं हो रहा है इसलिए क्या लिखे हैं, जीरो, ये जीरो दिए हैं, ठीक है, डिवाइड नहीं हुआ है इसलिए जीरो दे रहे हैं। फिर से इस बात को समझिएगा, यही बात बोल रहे हैं, यही बात लिख रहे हैं, 3 को 50 से डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है, डिवाइड नहीं हो रहा है इसलिए क्या दे रहे हैं, डेसिमल, इसके बाद जीरो दिए। अब देखिए 30 अभी भी 50 से कम है, डिवाइड नहीं हो रहा है, जीरो देने के बाद भी डिवाइड नहीं हो रहा है इसलिए यहाँ क्या लिख रहे हैं, जीरो, ठीक है। अब यहाँ पर जीरो देते हैं तो अब क्या हो जा, डिवाइड हो जा रहा है, कितना बार में, 6 बार में, तो यही क्या हो जाएगा, यही क्या हो जाएगा, 300 कट गया, नहीं जीरो हो गया है, यानी 3/50 इज इक्वल टू क्या हो गया है, 0.06, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन इसी को क्या हो गया है, ठीक है, यहाँ डिवाइड करके बनाए हैं, यही चीज डिवाइड करके विदाउट डिवीजन बना रहे हैं, क्या चीज बना रहे हैं, विदाउट डिवीजन, इसी चीज को बना रहे हैं, विदाउट डिवीजन कैसे बना सकते हैं, तो आप इस चीज को समझ सकते हैं थोड़ा सा, क्या हो गया, शॉर्टेस्ट फॉर्म में है 50 को क्या हो गया है, फैक्टराइज कर दिए, क्या हो गया है, 50 को फैक्टराइज कर दिए, तो 50 इज इक्वल टू क्या होता है, 2 × 5 × 5, नहीं इसका मतलब क्या हो गया है, 3/50, यानी क्या हो जाएगा, इस चीज को 3/50 पेयर में ये है, ये सिंगल है, सिंगल को पेयर बनाने के लिए क्या हो गया, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो इधर भी क्या हो गया, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे ऊपर नीचे, बात को समझेंगे, जो पेयर में नहीं है उतना से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, 6/100, और ये डेसिमल एक्सप्रेशन क्या है, बहुत आसान है। इसी में क्वेश्चन कहता है, क्वेश्चन नंबर 3, हाउ मेनी डिजिट्स आफ्टर डेसिमल, आफ्टर डेसिमल इन 3/50, तो आप ये चीज समझ सकते हैं, 50 में 50 को फैक्टराइज कर दिए हैं 2, और क्या हो गया है, 50 इज इक्वल टू 2 × 5 × 5, यानी क्या हो गया है, जो ज्यादा है, जिसका नंबर ज्यादा है उतना ही, तो ये क्या है, 2 टाइम्स में है, तो क्या बोल सकते हैं, आफ्टर, ठीक है, यानी क्या हो गया है, क्या हो गया है, टू डिजिट्स क्या हो रहा है, आफ्टर डेसिमल आ रहा है, कितना आ जा रहा है, आफ्टर डेसिमल, केम आफ्टर कम्स आफ्टर डेसिमल, बात को समझे, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, तो यही चीज रहता है क्वेश्चन, इस बात को समझेंगे, क्या हो गया है, 3 तरह का क्वेश्चन हो गया है, डेसिमल में क्या हो गया है, आपको बनाना है तो एक डिवाइड कर करके और विदाउट एक्चुअल डिवीजन करना है, तो ठीक है, और ये जो है सो सिर्फ और सिर्फ क्या हो गया है, सिर्फ और सिर्फ टर्मिनेटिंग के लिए ही संभव है, ये जब टर्मिनेटिंग के लिए करेंगे तो ऐसे ही क्या हो गया है, हम लोग को बनाना पड़ेगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं। इसी के बाद क्या हो गया है, इसी पर जो क्वेश्चन रहता है वो आपको बनाना है, ठीक है, इसी बेस्ट पर क्या हो गया है, 7/15, ठीक है, 2 × 2 × 5 × 5 × 4, ठीक है, दो चीज़ कह देता है इससे, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, डेसिमल में एक्सप्रेस करने के लिए, एक्सप्रेस इन डेसिमल
दूसरा क्वेश्चन पूछता है इज इट टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग, इट इज इट टर्मिनेटिंग टर्मिनेटिंग, तो क्या हो गया है। और तीसरा कहता है इफ टर्मिनेटिंग देन हाउ मेनी डिजिट्स कम्स आफ्टर डेसिमल। तो यहाँ पर एक बात देखेंगे, ठीक है, 15 का मतलब क्या हो गया, 3 इंटू 5 और 2 पावर 5 इंटू, ठीक है, 5 पर पावर 4, यानी क्या हो गया, एक बार कम गया। अब देखना है क्या हो गया है, कौन ज़्यादा है, 2 पर पावर 5 और 5 पर पावर 3, तो कितना 2 पर पावर 5 और 5 पर पावर 3, तो 2 पर पावर 5 और 5 पर पावर 3 दोनों में कम कौन सा है, लेस कौन सा है, लेस क्या है 3 और मोर क्या है 5, नहीं ये 5 ज़्यादा है तो मोर कितना है 5, इसका मतलब क्या हो गया है, आफ्टर डेसिमल कितना डिजिट आएगा, आफ्टर डेसिमल डेसिमल 5 डिजिट आएगा, नहीं 5 डिजिट कम, नहीं बात को समझ गए होंगे। इसी तरह का क्वेश्चन होता है विदाउट डिवीजन, विदाउट एक्चुअल डिवीजन, तो इस पर क्या हो गया है, क्वेश्चन कर सकते हैं।